यंग इंडिया का बात होगा, मोदी का अंबानी का अदानी का मन के बात नहीं होगा। सरकार का जिस तरह नफरत और एक तरफ देश को बेचने वाला, शिक्षा को बेचने वाला, रोजगार को खत्म करने वाला 2024 का इलेक्शन होगा, तो ये जवाब देते हुए सरकार को, हर एक भाजपा के कैंडिडेट को, तुम 2 करोड़ रोजगार का वादा करते हुए इस देश में सत्ता में आए थे और 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होने वाला था, वो ना होकर नई तरीके से 20 करोड़ बेरोजगार इस देश में तैयार हुआ है, इनका भविष्य को क्या होगा? ये जवाब अगर तुम नहीं दे पाओगे तो हम लोग यंग इंडिया तुमको जवाब देने के लिए 2024 के चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। और सवालों से है क्योंकि यंग इंडिया इस 10 साल का जवाब मांग रहा है। मंच पे आसिफ, हमारे इस यंग इंडिया रैली के तमाम गेस्ट स्पीकर्स और अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि साथियों, और आज इस रैली में देश के कोने कोने से आए हुए तमाम छात्र नौजवान साथियों, आप सबको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। एक ऐसे मौके पे हम लोग आज इधर खड़े हैं जब हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर अलग अलग बॉर्डर तैयार किया जा रहा है, जहां देश के लोग अपने देश में ही, अपने देश के राजधानी में ही पहुंचने उनको नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग पहले ये आवाज़ दिए थे पूरा देश भर में कि यंग इंडिया आज के तारीख में जंतर मंतर में देश भर से आए हुए तमाम छात्र नौजवान एक साथ हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि ये सरकार जो बातों में तो बोलता है कि यंग इंडिया इस देश का भविष्य है, छात्र नौजवान इस देश का भविष्य है, लेकिन वो खुद इस छात्र नौजवान इस यंग इंडिया का भविष्य को ध्वस्त कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, बाकायदा इस देश का भविष्य ख़त्म कर रहा है, उसके खिलाफ हम जोर शोर से आवाज़ उठाते हुए जंतर मंतर पे एक साथ हम लोग आएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो परिस्थितियों का मुआवजा देके ये लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे नहीं करने दिया जाएगा, तो डर किससे है? डर है सवालों से, डर सवालों से है क्योंकि यंग इंडिया इस 10 साल का जवाब मांग रहा है। डर उस सवालों से है क्योंकि यंग इंडिया ये इनसे पूछ रहा है, जो तुम वादा खिलाफी किए हो इस देश भर में, जिस तरह तुम इस देश को बर्बाद करने की कोशिश किए हो, जिस तरह हमारे जो शिक्षा का अधिकार है उस अधिकार को एक लोन बेस्ड प्रोसेस में तुम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह हमारा कैंपस की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, एक तरफ संसदों को निलंबित कर रहे हो, एक तरफ खिलाड़ियों को खेल के मैदान से निलंबित कर रहे हो, एक और दूसरे तरफ विद्यार्थी और अध्यापकों को विश्वविद्यालय से निलंबित कर रहे हो, इसके खिलाफ हम सवाल उठाते हुए पूरा देश भर में पिछले 3 महीने से जो कैंपेन किए लाखों के तादाद पे, सिग्नेचर कैंपेन, और उसके बाद लाखों स्टूडेंट का जो रेफरेंडम हमने लगभग 56 विश्वविद्यालय में इस देश भर में करवाए, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यंग इंडिया लगभग 91% स्टूडेंट ये मोदी सरकार के शिक्षा और रोजगार को ख़त्म करने का जो साजिश है उस साजिश को नकारा है, और इस सवालों से वो डर रहा है। हम लोग जो 10-पॉइंट चार्टर पूरा देश भर में सामने लाए हैं यंग इंडिया के तरफ से, और आप लोगों को पता है पिछले 12 फरवरी हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उधर से इस सरकार को एक चार्जशीट पकड़ाया, इस 10 साल के जो चार्जशीट हमने इस सरकार को दिया, तो ये लोग डरे हैं, ये लोग डरते हैं, इसलिए हमें चुप करवाने की पूरी तरह से कोशिश चल रहा है, और इसके खिलाफ आज हम लोग तमाम लोग इधर खड़े हैं, हम तमाम लोग इधर एकजुट हुए हैं, और एक साथ ये उनको बताने का काम हम लोग करेंगे। अगर आने वाले चुनाव मोदी जी बोले हैं
उनके जो मन के बात चलता है उसमें वो बोले हैं कि 110 जो एपिसोड उन्होंने किया उधर बोला कि यही आखिरी एपिसोड है, 111वां एपिसोड किया जाएगा चुनाव के बाद। तो हम मोदी जी को इस मंच से कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर इस 10 सवालों का जवाब नहीं देंगे, इस 10 सवालों का हल ये सरकार नहीं करता है, तो आप 111वां एपिसोड नहीं कर पाइएगा। यंग इंडिया का बात होगा, मोदी का अंबानी का अदानी का मन के बात नहीं होगा। और ये हम बिल्कुल इस मंच के साथ आने वाले दिन में इस देश के हर एक कैंपस में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में तमाम छात्र नौजवान, तमाम यंग इंडिया को एकत्रित करते हुए, एकजुट करते हुए, गोलबंद करते हुए इस सरकार का जिस तरह नफरत और एक तरफ देश को बेचने वाला, शिक्षा को बेचने वाला, रोजगार को खत्म करने वाला जो पूरी एक साजिश है उसको नकारते हुए आने वाले दिन में कोई नफरत का, कोई भटकाव का मुद्दा इस देश में नहीं चलेगा। इस देश का 2024 का इलेक्शन होगा तो ये जवाब देते हुए सरकार को, हर एक भाजपा के कैंडिडेट को हमारे मोहल्ले में आना होगा, यंग इंडिया के सामने आना होगा। तुम 2 करोड़ रोजगार का वादा करते हुए इस देश में सत्ता में आए थे और 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होने वाला था और ना होकर नई तरीके से 20 करोड़ बेरोजगार इस देश में तैयार हुआ है। पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है। इस देश में तुम्हारे राज को चलते हुए 25% स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हुए हैं, इनका भविष्य को क्या होगा? ये जवाब अगर तुम नहीं दे पाओगे तो हम लोग यंग इंडिया तुमको जवाब देने के लिए 2024 के चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। और ये आवाज, ये चैलेंज हम लोग इस मंच से आपको करते हैं। मोदी जी, आप 144 के तहत हमको सड़क पे उतरने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे आवाज को, हमारे जो जज्बा है, उस जज्बे को आप रोक नहीं सकते। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, चुनाव में दिया जाएगा। यंग इंडिया सड़क से लेकर हर एक लड़ाई में इसका जवाब देगा। कहते हुए और आप सभी साथियों का फिर से शुक्रिया अदा और क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए मैं मेरे बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।